आईपीएल में इंडिया वाले ने मचल स्टार्क को इतने ज्यादा पैसों में 80 करोड़ रुपए में लेकर बीएसएल में घुसा दिया भाई जान। पेट कमिंस 70 करोड़ रुपए पाकिस्तानी, मचल स्टार्क 80 करोड़ रुपए यार, पूरी बीएसएल को टट्टी लीग बना दी है। दिल कर रहा है कि मैं इसको अपने बालों को नोचूं, जिस्म पे मुक्के मारूं के इतना पैसा लगा दिया, इतना पैसा कि आपको मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। अगर हमारी पीसीबी सपोर्ट करे तो मैं चाहता हूं कि उनके प्लेयर्स को खरीद के यहां पे खिलाया जाए। पीएसएल का घंटा बजा के रख दिया यार आईपीएल ने, इतना पैसा इतने ज्यादा एक्सपेंसिव बाय के औकात से बाहर कर दिया भाई। इतने महंगे प्लेयर्स भाई, इतने में तो हम पूरी की पूरी एक प्लेयर जितने में बिका है, इतने में तो हमारे जो है वो फ्रेंचाइजीज बिकती है, और इतने में पूरा का पूरा पीएसएल हो जाता है। अजन, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क जितने में बिके हैं ना, यकीन करें इन दोनों से अगर पाकिस्तान वाले रब्ता करें ना, तो ये दोनों मिलके पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं। पीएसएल और आईपीएल को आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ठीक है, आईपीएल का बजट आप देखें, आप पीएसएल का बजट देखें, एक प्लेयर जितने में उनका सेल होता है उतने में पूरा पीएसएल हो जाता है। क्या पीएसएल, क्या बिग बैश लीग, क्या बाकी सारी लीग है, हर एक लीग गई भाई, टाटा बाय बाय, फिनिश होगी। इंडिया ने बता दिया आई एम ऑन द वर्ल्ड स्टेज, मैं कितना बड़ा प्लेयर हूँ यार। आईपीएल इज अ फैंटेसी, हम जिसको ड्रीम कह सकते हैं ना, वो है तमाम तर क्रिकेटर्स के लिए। इवन पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स जो हैं वो एक ड्रीम रखते हैं कि वो आईपीएल में जाकर खेलें। इतना पैसा खिलाड़ियों को मिल रहा है, वो किस बेस के ऊपर आएंगे, छोटी मोटी लीगों के ऊपर? आईपीएल एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका हुआ है। कितना बड़ा दुनिया का बैट्समैन खुद अपनी ड्राफ्टिंग करवाता है आईपीएल के अंदर, और यहाँ पे पीएसएल के अंदर, और यार हमारे अपना मुल्क का कर्जा नहीं उतरा तो हम लोगों ने कहां से स्टार जैसे प्लेयर को खरीदा? इंडिया का कोई डोमेस्टिक का ना, जिसने आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेली भी नहीं है, वो इस घंटे से ज्यादा पैसे ले गया। लाइक इस घंटे को तकरीबन कोई 2-3 करोड़ मिलता होगा पीएसएल में, लेकिन भाई वो उन बड़े छोटे से छोटे नाम भी 4-5 करोड़ आराम से ले गए। दुख होता है मुझे यार, पाकिस्तानी प्लेयर्स क्यों नहीं खेल रहे? पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी होना चाहिए, पाकिस्तानी प्लेयर्स में भी कोई पैसा लगा रहा हो तो दिल को खुशी होती, नाच रहे होते हैं। हमें जरूरत नहीं है, सॉरी हाँ, हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी वन ऑफ द टॉप 100 करोड़ की आबादी हमारी तरह नहीं निकाल सकती। 100 करोड़ रुपए पाकिस्तानी, मचल स्टार्क 80 करोड़ रुपए यार, पूरी पीएसएल को टट्टी लीग बना दी है। लोग कहते थे बेस्ट बॉलिंग लीग इन द वर्ल्ड, पता चला बेस्ट बॉलिंग लीग इन द वर्ल्ड कौन सी है, जहां 80 करोड़ में मचल स्टार्क खेलेगा, 70 करोड़ में पैट कमिंस खेलेगा भाई जान, ये बेस्ट बॉलिंग लीग होती है। तुम लोग रिटायर प्लेयरों के मुंह से निकलवा के प्रोपेगेंडा कर दो, पीएसएल का घंटा बजा के रख दिया यार आईपीएल ने, इतना पैसा इतने ज्यादा एक्सपेंसिव बाय के औकात से बाहर कर दिया भाई। मचल स्टार्क आप पूरा पीएसएल ले सकता है, मचल स्टार्क पूरा पीएसएल ले ले, साथ पेट कमिंस मिलके उसके बाद टीमें ले ले, पूरी पीएसएल का बेड़ा हरक कर दिया। ये दुनिया की सबसे बड़ी लीग, बहुत बड़ी लीग, बाकी सारी लीगें हैं ना, जितनी और लीगें हैं उनका घंटा बजा दिया भाई। क्या पीएसएल, क्या बिग बैश लीग, क्या बाकी सारी लीगें, हर एक लीग गई भाई, टाटा बाय बाय, फिनिश होगी। इंडिया ने बता दिया आई एम ऑन द वर्ल्ड स्टेज, मैं कितना बड़ा प्लेयर हूं यार। इंडिया का कोई डोमेस्टिक का ना, जिसने आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेली भी नहीं है, वो इस घंटे से ज्यादा पैसे ले गया। लाइक इस घंटे को तकरीबन कोई 2-3 करोड़ मिलता होगा पीएसएल में। आईपीएल 2024 की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई और हर टीम ने अपनी मर्जी से, अपने बजट के मुताबिक, अपने बोनस के मुताबिक, प्लेयर की डिमांड के मुताबिक अपने अपने प्लेयर खरीद लिए। पाकिस्तानी मीडिया हैरान है कि कोई बोर्ड इतना पैसा किसी एक लीग पर किस तरह लगा सकता है। आईपीएल 2024 में मिचेल स्टार्क को इंडियन के रुपीज के मुताबिक 24.47 तकरीबन इंडियन 24.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया। पाकिस्तानी मीडिया कहना कि अगर इंडिया के 24.5 करोड़ कन्वर्ट किए जाए पाकिस्तान के अंदर, तो ये तकरीबन 70 से 75 करोड़ रुपए बनता है। पाकिस्तानी 70-75 करोड़ के अंदर आईपीएल के 2 से 3 सीजन हो जाते हैं, जितने में एक आईपीएल में प्लेयर खेला गया है। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि पीसीबी को चाहिए कि वो बीसीसीआई सीखे, जिस तरह बीसीसीआई फंडिंग करती है, बीसीसीआई इन्वेस्टमेंट करती है, इसीलिए बड़े बड़े प्लेयर आईपीएल खेलते हैं। पीएसएल के अंदर बड़े प्लेयर रजिस्टर्ड किया, लेकिन कोई बड़ा प्लेयर आने को तैयार नहीं। शाकिब उल हसन, एबी डिविलियर ने रजिस्टर्ड किया, लेकिन वो छोड़ के चले गए, उनको ज्यादा डिमांड मिली आईपीएल में, ज्यादा पैसा मिला आईपीएल में, तो आईपीएल में चले गए। पैट कमिंग्स को इंडियन 20 करोड़ रुपए में खरीदा गया। शुएब अख्तर का कहना है कि अगर 20 करोड़ कन्वर्ट किया जाए तो तकरीबन पाकिस्तानी 50 से 55 करोड़ बनता है। पाकिस्तान के जो आईपीएल है, पाकिस्तान में जो पीएसएल लीग है, इसके अंदर सबसे महंगा खिलाड़ी एलेक्स हेल है,
इसकी कीमत पाकिस्तानी 4 करोड़ पर बनती है और इंडिया के लिहाज 1 करोड़। अगर एक खिलाड़ी पीएसएल में 1 करोड़ का है और उसी को आईपीएल में 20 करोड़ दिया जाए तो यकीन माने कि वो 1 करोड़ को लात मारेगा, 20 करोड़ को जाके लेगा। पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि हम हर बार रोते हैं, चीखते हैं, पीसीबी अपने फंड में इजाफा करता है, अपने मेम्बरान की तनख्वाह में लाखों करोड़ों का इजाफा करता है, लेकिन जब बात मुल्क की आती है, जब बात मुल्क की क्रिकेट की आती है तो कोई भी इस बात को सीरियस नहीं लेता। हर बार की तरह इस बार भी मामूली बोली लगाई गई, इसीलिए कोई बड़ा प्लेयर भी इस बार भी पीएसएल सीजन 9 में पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आया। लेकिन भाई वो बड़े छोटे से छोटे नाम भी 4-5 करोड़ आराम से ले गए हैं, मतलब आराम से आंखें बंद करके। आईपीएल की हिस्ट्री का, आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा महंगा प्लेयर भी क्या है, 24.75 करोड़ में बिका है भाईजान। मिचेल स्टार्क केकेआर ने लिया है, गौतम गंभीर ने भाईजान अड़क लगा ली हुई थी कि चाहिए ही चाहिए स्टार्क। मतलब आप अंदाजा लगा लो 24 करोड़ से ऊपर में बिका है मिचेल स्टार्क। मतलब इतने पैसे में 15 पीएसएल में करवा लूं और कुछ पीएसएल में जो पैसे बचे उसमें मैं पाकिस्तानी प्लेयरों की इंग्लिश बेहतर करवा लूं, उससे मैं इस घंटे की इंग्लिश बेहतर करवा लूं। यकीन करो यार, ये सच्ची बात बता रहा हूं। मतलब 24 करोड़ से ज्यादा पैसों में बिका है जब वो मिचेल स्टार्क, और 20 करोड़ में मतलब 20.5 करोड़ में जो है वो बिका है पैट कमिंस। जब पैट कमिंस 20 करोड़ में बिका ना, तो मैं सोच रहा था यार ये पैट कमिंस का रिकॉर्ड तो बहुत मुश्किल से टूटेगा, क्योंकि ये 20 करोड़ तक जाना ये तो सालों लग जाएंगे, लेकिन वो कोई आधे घंटे में टूट गया। एक आधे घंटे में जो है वो स्टार्क ने आगे पैट कमिंस को साइड पे किया और पैट कमिंस का कार्ड जो है वो स्टार्क ने, तो मतलब इतना पैसा, इतने महंगे महंगे प्लेयर्स भाई, इतने में तो हम पूरी की पूरी एक प्लेयर जितने में बिका है, इतने में तो हमारे जो है वो फ्रेंचाइजीज बिकती है और इतने में पूरा का पूरा पीएसएल हो जाता है जितने में एक प्लेयर बिकता है। तो भाई ये जो आज हुआ है ना, और खासतौर पर पहले जो पैट कमिंस जो है वो 20 करोड़ 50 लाख में बिके, और उसके बाद मैंने आपको फौरन कहा, मैंने कहा यार ये तो हम तो सोच रहे थे कि मिचेल स्टार्क जो है वो सबसे महंगा बिकेगा, तो यहाँ तो 20 करोड़ 50 लाख में हाईएस्ट एवर बिड के साथ बिक गया है पैट कमिंस। और फिर हम बात भी करते रहे कि यार उसकी कप्तानी के लिए उसको खरीदा गया है, सनराइजर्स हैदराबाद को कप्तान की ज़रूरत है, वो एक बार फिर अपना कप्तान तब्दील करने के मूड में है, तो आई थिंक सो कि उसको उसकी कप्तानी की वजह से इतनी प्राइस मिली। मुझे लगता है कि वो किसी हद तक जिसको आप कहते हैं ना कि ओवर रेट किया गया है उसको, बतौर एक बॉलर के तो उसका रिकॉर्ड कोई आईपीएल में कोई बहुत शानदार नहीं है, बस सिर्फ ये कि उसकी किस्मत है भाई, उसकी किस्मत है कि देखे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीत ली, उसके बाद वर्ल्ड कप भी जीत लिया, इंडिया के हाथ से वर्ल्ड कप छीन लिया, और ऊपर से अब इंडिया से 20 करोड़ 50 लाख भी लेके जा रहा है। तो ये मैं हैरान हूँ कि जिसने आपको जितना झटका दिया भाई, आप उसको उतने पैसे दे रहे हो कि बहुत शुक्रिया आपने हमें हराया, और लीजिए अब हमारी तरफ से तोहफों कबूल करो। दिल कर रहा है कि मैं इसको अपने बालों को नोचूं, जिस्म पे मुक्के मारूं कि इतना पैसा लगा दिया, इतना पैसा कि आपको मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, 1 और 2, 24 करोड़ 75 लाख, 20 करोड़ 50 लाख, ये आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आए दिन बातें कर रहे होते हैं इस साल हम पीएसएल पीआईपीएल को बीट कर देगी, और भाई कैसे कर देगी।